मौसम की मार इस तरह के हुई कि आकाशी बिजली गिरने से दो लोगों की सोनूघाट देवरिया में हो जाती है मौत। बताते हैं कि राधेश्याम मंदिर के पुजारी राधेश्याम गिरी की मौके पर हो जाती है मौत। ये दर्दनाक हृदय विदारक घटना आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज लगभग 1 बजे पर बारिश के समय में तूफानी बारिश इस तरह की कि आकाशी बिजली मंदिर के ऊपर गिर जाती है और मंदिर परिसर में बैठे हुए करीब 12-13 लोग घायल हो जाते हैं और 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो जाती है। यह हृदय विदारक घटना आकाशी बिजली गिरने से होती है। ये रिपोर्ट देखिए। जी 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 सर बताइए सर, आपके क्षेत्र में कहाँ पे बिजली आकाशीय बिजली गिरा है? सोनूघाट ग्राम सभा सोनूघाट जिला देवरिया। सोनूघाट में ही गिरा है? हाँ, टोला गोपलापुर है। अच्छा, सोनूघाट ही ग्राम सभा है, टोला नहीं होता है। जी जी जी, तो टोला सोनूघाट ग्राम सभा सोनूघाट टोला गोपलापुर। अच्छा, तो मंदिर परिसर में उस समय कितने लोग मौजूद रहे होंगे? 12 लोग थे, 12 लोग आए हैं। एक आदमी एक्सपायर कर गया है। अच्छा, एक आदमी एक्सपायर कर गया है। अच्छा, वो कौन थे, कहाँ के थे? गोपलापुर के ही थे। गोपलापुर के थे, कुछ सर नाम बताएंगे? रहने वाले कहीं और के हैं, लेकिन हमारे यहाँ रहते थे नवास्ता पे वो। अच्छा, मंदिर के पुजारी थे क्या वो? हाँ हाँ जी जी सर। अच्छा, उनका सर नाम थोड़ा बता देंगे? उनका नाम है राधेश्याम गिरी। राधे श्याम गिरी सर, फोटो होगा क्या उनका आपके पास? फोटो तो नहीं हम लोगों के पास अभी फिलहाल में। अच्छा अच्छा, और सर कितने लोग घायल बताए हैं? 11 लोग मरे, तो जैसे 2 लोग हैं लेकिन उसी में सच में मरे हैं लोग, लेकिन दूसरे गांव के थे वो। अच्छा, 2 लोग मर गए हैं। हाँ, वो रानी घाट के हैं रहने वाले। अच्छा, उनका क्या नाम होगा सर? उनका राजू कुशवाहा नाम है। राजू कुशवाहा जी, सनाफ राजनाथ कुशवाहा। सर ये घटना कितने बजे की है? 1:15 बजे। अच्छा, 1 बजे की है। 1:15 बजे से हमने, हाँ, बारिश जैसे हुआ है। हाँ हाँ हाँ, उसे हम बिजली गिरी है। ठीक सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, ये हमारे संवाददाता की रिपोर्ट थी जिन्हें जिनकी आवाज में वहां के स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे। वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, पूरी घटना को आप इसको सिलसिलेवार तरीके से इस ऑडियो और वीडियो में सुन चुके हैं, लेकिन क्या इस तरह के वाकया अगर होते रहेंगे तो कहां कोई सुरक्षित है? मंदिर में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, खुले मैदान में सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये कुदरत अगर नाराज है, कुदरत का कहर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि हम सबसे कुदरत और ये प्रकृति नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम।